नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सत्रहवीं किस्त को लेकर के आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सत्रहवीं किस्त किस माह में और कितने तारीख को आपके खाते में आ सकती है तो बने रहें वीडियो पर अंत तक देखिए यदि आंकड़ों की बात करें तो अब तक सोलह किस्त जो है किसान भाइयों के खाते में जमा की जा चुकी है प्रत्येक किस्त हर चार महीने के अंतराल पर आती है वैसे तो अभी सोलवी किस्त हाल ही में जारी की गई थी और इसमें बहुत से किसान भाई ऐसे थे जिनको सोलवी किस्त का पैसा अभी भी नहीं मिला जिसके पीछे जो ये दो तीन कारण हैं ये मेन कारण है जिसमें ई e के का नहीं होना और उनका जो है आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो इसी वजह से भी उनकी सोलवी किस्त रुकी हुई है अगर ये प्रोसेस जो अभी तक किसान भाइयों ने नहीं कंप्लीट कराई है तो उनको आगे भी सत्रहवीं किस्त का पैसा नहीं मिलने वाला है तो आइए अब बात कर लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कि सत्रहवीं किस्त किस माह में और कितनी तारीख तक किसान भाइयों के खाते में आएगी देखिए इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है तो ये जो किस्त है मई महीने में किसान भाइयों के खाते में आ सकती है तो दोस्तों अभी इसके लिए सरकार की तरफ से कोई अल्टीमेटम या कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है तो जैसे ही हर बार की तरह किस्त प्रत्येक चार महीने में आती है तो सत्रहवीं किस्त भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मई मही महीने में किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी धन्यवाद